आज देर शाम इनेलो बसपा गठबंधन ने पानीपत नगर निगम की प्रतिष्ठित सीट से कंप्यूटर स्नातक व अध्यापिका प्रियंका कश्यप को मैदान में उतारकर जबरदस्त जातीय संतुलन साधने का काम किया। याद रहे कि आज लक्ष्मी गार्डन में सांसद रामकुमार कश्यप की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें चार नाम आए थे। बाद में सारी चर्चा से अभय सिंह चौटाला को अवगत कराया गया। यहाँ तक कि पानीपत में भाजपा में चल रहे अंदरूनी संघर्ष व कांग्रेस उम्मीदवारों के बारे में तफसील से मंथन किया गया और आखिर में प्रियंका कश्यप के प्रोफाइल बारे भी व्यापक मंथन किया गया और इस प्रकार प्रियंका के हक में अभय ने वीटो कर दिया। याद रहे कि प्रियंका स्नातक है, उनके पति डेंटिस्ट हैं और भाइयों का अर्जुन नगर क्षेत्र में अग्रणीय स्कूल है। जाहिर है शिक्षा व मजबूत पारिवारिक व जातिगत समीकरणों से प्रियंका एक मजबूत मुकाबला बना सकती है। सोने पे सुहागा यह है कि बसपा का भी एक मजबूत पक्ष अध्यापिका प्रियंका कश्यप के हक में रहने वाला है। देखते हैं मेयर चुनाव का जातिगत समीकरण किस करवट को रुख करेगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र अहलावत, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। पानीपत के मेयर चुनाव को लेकर के सियासत काफी गर्म हो चुकी है, जहां पहावा को कांग्रेस समर्थित वहां पर उतारा गया है मैदान में मेयर पद के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी से हैं वो अवनीत कौर को उतार करके एक कार्ड खेला गया है। वहीं कुछ ना कुछ इसको दोनों को मद्देनज़र देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल व बसपा गठबंधन द्वारा भी अपना मेयर पद का चिन्हित कर लिया गया है। वो जो चेहरा है वो हम आप उनसे रूबरू कराएंगे। हमारे साथ प्रियंका कश्यप हैं, जिनको इन INLD और बसपा गठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से उतारा गया है और मेयर चुनाव को लेकर के क्या रणनीतियां रहेंगी हम तमाम बात करेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी, आपको बधाई कि आपने मैदान में उतरे और मेयर चुनाव को लेकर के। सबसे पहला सवाल, आप किस नज़रिए से देखेंगे इस चुनाव को? मैं इस चुनाव को सबसे पहले समाज की भलाई के लिए देखती हूँ। मुझे सबसे पहले अपने समाज की भलाई देखनी है, उसकी समस्याओं को देखना है और उसके लिए सबसे पहले आगे बढ़कर काम करना है। आप एक क्वेश्चन, आप पढ़े लिखे हैं और उसको लेकर के राजनीति में पहले आपका कोई इससे पहले कोई बैकग्राउंड राजनीति? जी नहीं, मेरा कोई राजनीति से बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे ब्रदर हैं जो मेरे भाई हैं वो काफ़ी साल से 2014 से इनेलो पार्टी में कार्यकर्ता हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अगली बार दावेदारी जो थी पहले से ही आपने कर रहा है या पार्टी ने वैसे निर्णय लिया है? जी नहीं, पार्टी तो काफ़ी टाइम से कह रही थी मेरे भाई को, लेकिन फिर उन्होंने आज ऑफिशियली हमारा नाम अनाउंस किया है और हमें इतना बड़ा सहयोग दिया है, सम्मान दिया है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अब आते हैं निगम चुनाव को लेकर के, आपकी प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? अब जो चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाएंगे, किन किन बातों को लेकर, किन मुद्दों के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे? मुद्दे कई हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारे जो निगम में भ्रष्टाचार है उसको दूर करना। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी दिन तक लाइनों में लगे रहते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। और दूसरा, शहर की सफाई के लिए, पानी की निकासी के लिए और कचरा निपटान, ये तीन बेसिक चीज़ें हमारी जो हर एक इंसान की ज़रूरत होती है उसके लिए काम करेंगे। जनता यदि आपको चुन लेती है तो आप जैसे महिलाएं हैं आज, हाँ, शिक्षा के सत्र को लेकर के ले लीजिए या आज सबसे बड़ा मुद्दा क्राइम है और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं, उसको कैसे आप रोकथाम कर? उसके लिए रोकथाम के लिए एक मेयर का जो काम होता है अपने सिस्टम को लेकर चलना, साथ में अपने जितने भी सहयोगी होते हैं उसके काम करने वाले, जैसे शहर का DC होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, SP पुलिस, हर एक हमारे शहर में सरकार ने हर चीज़ दी हुई है समाज की सुरक्षा के लिए, उन सबको साथ लेकर लड़कियों को, महिलाओं के जितने भी काम हैं उनके भ्रष्टाचार को उनको रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सबसे पहले मैं इन सब के साथ मिलकर काम करना चाहूँगी। जनता आपको चुने क्यों, किस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भी जो मेरे हस्बैंड है वो डॉक्टर हैं, उनका वहाँ पे अपना क्लिनिक है, लेकिन वो अब 3 महीने से हम यहीं पे ही रह रहे हैं और उनके साथ उन्होंने खुद मुझे सपोर्ट किया है, खुद आज वो आए भी थे, उन्होंने खुद मुझे सपोर्ट किया है कि भी हम यहीं पे हम रहेंगे और यहीं के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे रह रही हूँ, इसीलिए यहाँ का काम मेरे भाई के सहयोग से मैं करना चाहती हूँ। शिक्षा के स्तर की बात करें तो क्या शिक्षा में क्या किया?
शिक्षा मैं 9th क्लास में थी तब से मैं टीचिंग कर रही हूँ, तब से मैं अपना ट्यूशन पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने अपने 5 साल मैरिज से पहले भी मैंने स्कूल में टीचिंग की है। और शिक्षा मैं मानती हूँ कि हर एक महिला के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी महिला अगर शिक्षित है तो वो किसी भी जगह जाकर, कहीं पर भी जाकर आराम से काम कर सकती है, जिम्मेदारी अपनी उठा सकती है खुद की, किसी के आगे उसे कुछ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, वो आत्मनिर्भर बन सकती है और सबसे पहले वो हर चीज़ की जानकारी ले सकती है, चाहे वो घर चलाने के लिए हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए हो। तो शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही मेरा सबसे सबसे मेन मोटिव यही है कि भी हर एक महिला को शिक्षित करना। और जितने भी स्कूल हैं और महिलाओं के बच्चियाँ हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे एजुकेशन के लिए काम करना। प्रचार प्रसार की बात करें फिलहाल तो आप किस तरह से देखेंगे, समय बहुत कम है तो आप कैसे, किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? जी, चुनाव प्रचार का तो ऐसे है कि सारे के सारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब सहयोग करेंगे और जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी सहयोग करेंगे, प्रचार प्रसार आराम से हो जाएगा। अगर जनता का भी सहयोग रहा, जनता का तो मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट मानूंगी कि जनता ही है जो एक इंसान को कुछ भी कर सकती, एक इंसान को कुछ भी बना सकती है। और वो अच्छा उम्मीदवार अपने लिए चुनेंगे तो वो अच्छा ही आगे उम्मीदवार उनके लिए काम कर पाएगा। पार्टी के बड़े नेता भी प्रचार के लिए आएंगे? हाँ जी, सब आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी हमारे एमपी हैं, हमारे जो एमपी हैं ग्वाला जी, वो भी आएंगे माननीय, और सारे पदाधिकारी आएंगे काम करने के लिए और कार्यकर्ता भी। आज जैसे कि पूर्व मेयर की बेटी को अवनीत कौर को भी यहाँ पानीपत से बीजेपी ने उतारा है। हाँ जी। और दूसरी तरफ उस स्पोर्ट में यहाँ कांग्रेस ने समर्थित अपने कैंडिडेट को भी घोषित कर दिया है। हाँ जी। तो शहर के अंदर उनकी पकड़ ज़्यादा होने के चलते आप किस तरह से फाइट कर पाएंगे आज? जी, मेरी किसी से कोई फाइट नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है कि भी मैं मेयर बनके शहर की कैसे देखभाल कर पाऊंगी, कैसे उसकी समस्याओं को सुन सकूंगी और कैसे उन्हें सुलझा पाऊंगी। मेन एजेंडा क्या रहेगा, प्राथमिकता यदि आप मेयर बन जाते हैं? हाँ जी। तो जनता आपको चुनती है, सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? जी, मेरा सबसे पहला कार्य जो सिस्टम है उसके अंदर, मेयर बनने के अंदर जो मेयर का जो सिस्टम होता है वहाँ पर जितना भी भ्रष्टाचार है उसको रोकना, और दूसरी शहर से कचरा निपटान को करना और सफाई पे। ये थी प्रियंका कश्यप जो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन से उम्मीदवार जो पानीपत मेयर के चुनाव को लेकर के उतारी गई है। तो उनका कहना था कि निगम के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार व सफाई की जो पानीपत के अंदर समस्या है लगातार, और साथ के साथ जो बढ़ता क्राइम और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उसको रोकथाम करना प्राथमिकता रहेगी। एक बात साफ कर दी है कि भ्रष्टाचार नहीं सहन किया जाएगा। सहयोगी हैप्पी बुद्धि राजा के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल सिटी तहलका न्यूज को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।